चरण एमपी का आखिरी रण। आज चौथे चरण का चुनावी शोर थम जाएगा, शाम 6 बजे तक ये प्रचार थम जाएगा और उसके बाद फिर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे सभी प्रत्याशी। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में वोटिंग होगी, धार, खरगोन, खंडवा, देवास में भी वोट डाले जाएंगे। सीएम मोहन यादव इंदौर और उज्जैन में भी रोड शो करेंगे। दिग्विजय सिंह सभा और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। मध्य प्रदेश की चौथे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी 8 सीटें बाकी हैं जहां पर मतदान होना बाकी है। और अब ऐसे में इन 8 सीटों पर फोकस तमाम पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं का है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर, उज्जैन में भी रोड शो करेंगे, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी सभा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। दिग्विजय सिंह जो कि राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लोकसभा सीट मध्य प्रदेश चौथा चरण जहां पर इन सीटों पर चुनाव होना है, मंदसौर, उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम, धार, खंडवा और खरगोन, ये 8 सीटें हैं जहां पर लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और यहां पर अब सबसे ज्यादा फोकस बड़े नेताओं का रहने वाला है, जिनमें से मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी हैं। ऐसे में अब तमाम नेताओं की जो सभा है, जो रैलियां हैं, जो रोड शो है, वो आज शाम तक होगी और आज शाम के बाद ये चुनावी शोरगुल पूरे तरीके से थम जाएगा, शांत हो जाएगा और उसके बाद ये तमाम नेता मंत्री डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर सकेंगे, जनसंपर्क कर सकेंगे। तो लोकसभा का चौथा रण तैयार है और अब 13 मई को वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले निर्वाचन आयोग की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई हैं, जो टीम है उन्हें तैयार किया गया है, ईवीएम मशीनों की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा इकाई स्तर पर बूथ लेवल तक तैयारियां की जा रही हैं ताकि वोटिंग के दौरान कोई भी असुविधा ना हो और कोई भी समस्या वोटर्स को ना जाए। और आपको बता रहे हैं कि ये प्रत्याशी कहां से कौन उतरा है। इंदौर से आपको बता दें शंकर ललवानी, लेकिन कांग्रेस से कोई भी प्रत्याशी नहीं। यहां पर एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है जब से अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हुए, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो यहां इंदौर जो कि हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, यहां पर दबदबा अभी भी बीजेपी का जारी है। उज्जैन की बात करते हैं, अनिल फिरोजिया बीजेपी से प्रत्याशी हैं और महेश परमार कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो ये उज्जैन भी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। हालांकि यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन प्रभाव यहां पर बीजेपी का ज्यादा है क्योंकि मुख्यमंत्री यहां से आते हैं। तो अनिल फिरोजिया बीजेपी से हैं और महेश परमार कांग्रेस से हैं। मंदसौर की बात करते हैं, मंदसौर में बीजेपी से सुधीर गुप्ता चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस से दिलीप सिंह गुर्जर चुनावी मैदान में है और दोनों के बीच में यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर भी ज्यादा प्रभाव बीजेपी का देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यहां मंदसौर का जो मुकाबला है यह काफी दिलचस्प हो जाएगा। और सबसे हाई प्रोफाइल सीट धार मानी जा रही है, सावित्री ठाकुर बीजेपी से और कांग्रेस से हैं राधे श्याम मुबेल, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। और चौथे चरण का जो रण है वो तैयार हो चुका है और अब ऐसे में अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से हमारी सहयोगी रंजना जुड़ी हैं, अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हैं और संदीप भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते सबसे पहले रुख करेंगे रंजना का, भोपाल से हमारी जुड़ी हुई है सहयोगी। रंजना देखिए, यहां पर चुनावी जो शोरगुल है वो आज शाम के बाद से रुक जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पर नेताओं के पास एक ऑप्शन है कि कैंपेनिंग कर सकते हैं डोर टू डोर जाकर। तो क्या बड़े नेताओं का जो जमावड़ा है, जो दौरा है, वो देखने को मिलेगा भोपाल में? जी ऋषभ, आज शाम 6 बजे जो चुनावी प्रचार प्रसार वो थम जाएगा। जो 13 मई को 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उसके लिए आज जो शाम 6 बजे से चुनावी शोरगुल है वो थम जाएगा। नेता सिर्फ डोर टू डोर जो संपर्क है वो कर सकेंगे, लेकिन जो भी बड़े नेता उस निर्वाचन क्षेत्र के नहीं हैं उनको वो निर्वाचन क्षेत्र आज शाम 6 बजे के बाद छोड़ना होगा। लेकिन वहाँ पर जो स्थानीय नेता हैं वही सिर्फ प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे और जो डोर टू डोर संपर्क है वो करेंगे और इस बार
बार सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यही है कि जो मतदाता है उनको घरों से निकालना है और पोलिंग बूथ तक ले जाना है, इसी को लेकर अब लगातार तैयारियां होंगी, क्योंकि इससे पहले आज शाम 6 बजे से पहले तक का जो वक्त तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के पास है, ऐसे में आज कई जो रोड शो हैं, जनसभाएं हैं, वो आज की गई हैं ताकि जनता के बीच इन सीटों पर जो रोड शो हैं, जो जनसभाएं हैं, वो रैलियां हैं, वो कर सके, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। इसलिए आज आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रतलाम जावरा में जो रोड शो है वो आज तय किए गए, और इसी के साथ ही बेटमा में भी जो जनसभा है उसको सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे, और इसी तरह से जो कांग्रेस पार्टी उसकी तरफ से भी जो तमाम कार्यक्रम है वो तय किए गए, क्योंकि इसके बाद शाम 6 बजे से आज जो प्रचार है वो थम जाएगा, लेकिन सिर्फ जो नेता है घर घर जाएंगे और अपना जो डोर टू डोर संपर्क है वही कर सकेंगे। ऋषभ, और इसके अलावा रंजना, दिग्विजय सिंह का भी ज्यादा फोकस है तमाम सीटों पर, और वो भी कमर कसे हुए, कमान संभाले हुए कांग्रेस की। वापस से आऊंगा आपके पास, इंदौर का रुख करेंगे अखिलेश के पास, लेकिन उससे पहले आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि इंदौर में आखिर इंदौर हाई प्रोफाइल सीट मानी क्यों जा रही, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। शंकर ललवानी जो कि इंदौर से बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम हुआ करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, नामांकन उन्होंने वापस ले लिया, और उसके बाद जो सियासत लगातार देखने को मिल रही है, कांग्रेस जहां पर एक तरफ यहां पर जो है नोटा को प्रमोट करती हुई दिखाई दे रही थी, कांग्रेस लगातार रैलियां कर रही थी, यात्रा कर रही थी, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से भी यहां पोस्टर चस्पा किए गए थे, और एक बार फिर से इंदौर में जो है पोस्टर वॉर देखने को मिलती थी। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इंदौर में आखिर ये सियासी समीकरण किस तरीके से बदल रहे हैं, ये तस्वीरें आपको बताते हैं। इंदौर लोकसभा सीट 2024 में आमने सामने थे शंकर ललवानी बीजेपी से और बसपा से, अब संजय सोलंकी हैं। तो अब संजय सोलंकी बसपा से हैं और बीजेपी प्रत्याशी शंकर ललवानी, इनके बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि सुमित्रा महाजन जो कि बीजेपी की कद्दावर नेत्री हुआ करती थी, उनका भी दबदबा इंदौर में रहा है। मालवा निमाड़ की सीट पर बीजेपी मजबूती के साथ झंडा गड़ा कर खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी यहां पर अब टक्कर जो है वो बसपा में देखने मिलेगी और बीजेपी में। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के बाद जो सियासत है वो लगातार बढ़ती चली गई। लोकसभा की 8 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन यहां पर जो संसदीय सीट है उसमें अब ये क्या परफॉर्मेंस रहती है बीजेपी की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी अखिलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, देखिए इन दिनों सबसे हाई प्रोफाइल सीट इंदौर में जो सियासी घमासान देखने मिल रहा था, ये शुरू हुआ जब अक्षय कांति बम कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए। अभी क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं, क्या कहता है इंदौर का गुणागणित? बिल्कुल ऋषभ, आज चुनाव का अंतिम दिन है और अंतिम दिन में जो पार्टी प्रत्याशी उसके साथ जो तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो चुनावी मैदान में अपनी आखिरी ताकत झोंकते हुए यहां पर दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद यहां पर विधानसभा 4 में रोड शो करेंगे, 3 से 4 किलोमीटर का उनका रोड शो रहेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो वोटरों को घर से बाहर निकालना। पहली चीज तो ये कि टेम्परेचर इंदौर का 40 जा रहा है डिग्री, और उसके साथ ही 3 दिन की जो छुट्टी पड़ रही है इसमें कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो बाहर घूमने के लिए जाने के लिए अपना मन बना चुके हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन के ऊपर एक बड़ी चिंता भी है, और उसके साथ ही जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं पर चिंतित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था और उसके साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, और जो कांग्रेस है वो अब नोटा को प्रमोट यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जो लोग हैं वो अपना मन बदल चुके हैं, और उसके साथ ही बाहर घूमने जाने के लिए कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं उन्होंने भारी बड़ी मात्रा में टिकटें भी यहां से बुक करवाई है। तो एक बड़ी चुनौती वोटिंग को लेकर जरूर इंदौर में रहने वाली है 13 तारीख को, क्योंकि 3 दिन की यहां पर छुट्टियां भी पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार से कांग्रेस नोटा को प्रमोट यहां पर करते हुए दिखाई दे रही है, तो यहां पर जो चुनाव है वो नोटा वर्सेस बीजेपी यहां देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने तमाम जो तैयारियां वो नोटा को लेकर की है, तमाम जो पोस्टर है वो कांग्रेस ने चस्पा किया, उसके साथ ही बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं पर इसी काट में जो पोस्टर बार है वो बीजेपी की तरफ से भी शुरू कर दिया गया। लेकिन बड़ी
चिंता की बात यही है कि आज जिस प्रकार से सुमित्रा महाजन ने ताई, उन्होंने भी एक चिंता जाहिर की थी कि जब बीजेपी का एक बड़ा गढ़ माना जाता है मालवा निवाड़ को, और सबसे बड़ी बात यह कि इंदौर सबसे बड़ा किला माना जाता है जिसको ढहाना कांग्रेस के बस की बात में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पर जो अक्षय कांति बम है उसका जब नामांकन वापस करवाया गया था तो कहीं ना कहीं पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं और इंदौर के जो लोग हैं उनमें खासी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनसे जो वोट का अधिकार है वो छीन लिया गया है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं पर जो इंदौर के जो लोग हैं वो आक्रोशित भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और नोटा को प्रमोट करने की। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर लोगों की नाराजगी तो देखने मिली, लेकिन शंकर ललवानी जो कि ये सोच रहे होंगे कि इस बार की जो जीत में इजाफा करेंगे वो गजब का आंकड़ा देंगे और सब कुछ बम बम तरीके से देखने को मिलेगा बीजेपी की तरफ से, लेकिन बम ही बीजेपी में शामिल हो गए तो अब स्थितियां किस तरीके से बदलेंगी ये देखने वाली बात होंगी। अखिलेश बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। उज्जैन से हमारे सहयोगी संदीप जुड़े, उनके पास जाएंगे, लेकिन उज्जैन का समीकरण भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि उज्जैन भी हाई प्रोफाइल सीट आखिर क्यों है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो उज्जैन जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं वो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है और यहां पर शुरू से ही बीजेपी का कब्जा देखने को मिला है। आपको सीट की विस्तार से बताते हैं, विधानसभा सीट के तौर पर अगर बात करें तो बीजेपी के पास यहां से 6 सीटें हैं जबकि कांग्रेस के पास थोड़ी कम सीटें हैं, 2 सीटें मात्र हैं यहां पर, तो यहां का आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में है। 8 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से 6 सीट बीजेपी के पास है और 2 सीट कांग्रेस के पास है, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो दबदबा है वो बीजेपी का देखने को मिल रहा है। और उज्जैन से मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा फोकस भी उनका देखने को मिलता है और बीजेपी का फोकस, आरएसएस का फोकस भी उज्जैन में देखने को मिलता है। इसके अलावा उज्जैन से धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, हिंदुओं की आस्थाएं भी जुड़ी हैं, इसलिए इस तरीके का सिनेरियो भी उज्जैन में देखने को मिलता है। और सहयोगी हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप देखिए यहां पर 8 विधानसभा सीट हैं, कब्जा ज्यादा बीजेपी का यहां पर है, 6 सीटें हैं कांग्रेस कम में है, लेकिन मुख्यमंत्री भी यहां से आते हैं तो वैसे भी हाई प्रोफाइल सीट उज्जैन मानी जा सकती है। अभी क्या स्थिति है, क्या सिनेरियो बन रहा है उज्जैन में? जी देखिए, प्रचार का आज आखिरी दिन है, चंद घंटे बचे हैं। अंतिम दौर में मुख्यमंत्री कल शाम को उज्जैन आए थे, यहाँ पर उन्होंने उज्जैन लोकसभा सीट में पहले नागदा में एक रोड शो किया, उसके बाद रात को उज्जैन में एक रोड शो किया, रात्रि विश्राम उज्जैन में किया, अभी भी वो उज्जैन में ही है, अभी यहाँ पर विभिन्न समाज के लोगों से मिल रहे हैं और उसके अलावा वो कुछ मतदाता पर्ची बांटने का भी एक कार्यक्रम उनका है, उसके बाद वो अपने जो अन्य उनके दौरे हैं वहां निकल जाएंगे। जहां तक हम प्रचार की बात करें तो बहुत किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता की आमसभा यहाँ न कांग्रेस में हुई न भाजपा में हुई। भाजपा ने जहां पर मोदी और उसके इर्द गिर्द पूरा प्रचार रहा 10 साल की सरकार के उपलब्धियों पर, वहीं कांग्रेस का पूरा प्रचार जो स्थानीय मुद्दे रहे, उज्जैन में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो यहां से विधायक भी हैं, तो उन्होंने मूल रूप से शिप्रा और जो यहां के दूसरे मुद्दे उन्हीं को फोकस करके पूरा प्रचार किया है। निश्चित तौर पर चुनाव थोड़ा बहुत रोचक जरूर बना है, बिल्कुल एक तरफा चुनाव उज्जैन में नहीं है, खासतौर से इंदौर से जब कांग्रेस की चुनौतियां समाप्त हुई तो उसके बाद इंदौर के कांग्रेसियों का भी फोकस उज्जैन में रहा, तो इन सब चीजों के बीच कहीं ना कहीं हमें यह है अब सबसे बड़ा चीज कि कितनी बड़ी जीत होती है, क्या होती है। निश्चित तौर पे भाजपा अपर एज में है, भाजपा का ये गढ़ रहा है शुरू से अभी तक, और मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह नगर होने के कारण वैसे भी अब भाजपा के लिए उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारियों के लिए। रंजना आपका भी शुक्रिया, अखिलेश आपका भी शुक्रिया। तो ये सियासी समीकरण आपको बता रहे थे जहां पर 8 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुकी और उनकी पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। अब जितने भी प्रत्याशी हैं वो आज शाम के बाद डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, जनसंपर्क कर सकते हैं, लेकिन आज शाम के बाद ये जो चुनावी शोर है ये पूरी तरीके से शिथिल हो जाएगा, शांत हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंतजार रहेगा वोटिंग का। तो लोकसभा का रण तैयार है, 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, 13 मई को ये चुनाव होंगे और निर्वाचन आयोग की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, अब सिर्फ इंतजार है वोटिंग का।